गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों आज तक मैं आप लोगों के संडे को काफी स्पेशल बनाता आया हूँ, लेकिन आज का संडे आप लोगों के लिए इतना ज्यादा स्पेशल होने वाला है कि आप लोग इसे कभी नहीं भूल पाओगे। और इस चीज की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी डॉग्स ब्रीड लेकर आया हूँ जिसे आप में से काफी लोगों ने देखा तक नहीं होगा। एंड दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, इन डॉग्स का प्राइस भी कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप लोगों को काफी तगड़ा झटका लगने वाला है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हम सबसे कम प्राइस की डॉग ब्रीड के साथ, और फिर स्टेप बाय स्टेप प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इन सभी डॉग ब्रीड से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी डॉग ब्रीड आप लोगों ने देखी, आज हम इन सभी डॉग ब्रीड के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सबसे कम प्राइस की डॉग ब्रीड के साथ, जो है अमेरिकन बुली। सो फ्रेंड्स, ये अमेरिकन बुली पपीज आप लोगों को मेल और फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे। और अगर इनके साइज के बारे में बात करें तो ये एक्सेल साइज में है। वैसे डोंट वरी, अगर आप लोगों को इनके ईयर्स को देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है तो उन्होंने इनके ईयर्स क्रॉप करा दिए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी पहले की है। तो अगर आप लोग एक शानदार क्वालिटी के अमेरिकन बुली पपीज परचेज करना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, दोनों का प्राइस सेम है। तो फ्रेंड्स, ये जो अमेरिकन बुली पपीज हैं, ये 3 मंथ्स के हो चुके हैं एंड उन्होंने इनकी सभी वैक्सीनेशन कम्प्लीट करा रखी है। एंड साथ में आप लोग को इनका कार्ड भी मिल जाएगा। और अगर बात करें इनके प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड्स उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 30,000 रुपीज, यानी 30,000 रुपए। तो सेम प्राइस में आप लोग चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एक फाड़ू क्वालिटी की डॉग ब्रीड के बारे में, जो है फ्रेंच मस्टिफ। सो गाइस, ये फ्रेंच मस्टिफ एक सेमी एडल्ट मेल डॉग है एंड काफी जबरदस्त क्वालिटी में है, क्योंकि जो क्वालिटी आप लोगों को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो शायद आप लोगों को पूरे इंडिया में भी देखने को ना मिले। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच मस्टिफ काफी भारी भरकम एंड मस्टिफ डॉग ब्रीड है और ये काफी मस्कुलर भी होते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये फ्रेंच मस्टिफ जस्ट 7 मंथ का हुआ है और इसी एज में आप लोग इसकी ग्रोथ देखिए, जो कि लाजवाब है। तो अगर आप लोग एक काफी अच्छा कंपेनियन एंड गार्ड डॉग परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंच मस्टिफ आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रेंच मस्टिफ एक मेल डॉग है एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 35,000 रुपीज, यानी 35,000 रुपए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वन ऑफ द क्यूटेस्ट एंड एक स्मॉलेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है फ्रेंच बुलडॉग। सो गाइस, फ्रेंच बुलडॉग स्मॉल साइज के होने के साथ साथ एक काफी रेयर डॉग ब्रीड भी है, जो कि आप लोगों को सिर्फ कुछ ही लोगों के पास देखने को मिलेगी। तो गाइस, फ्रेंच बुलडॉग उन लोगों के लिए काफी अच्छी डॉग ब्रीड है जो एक स्मॉल साइज की फैमिली डॉग ब्रीड को ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग इन फ्रेंच बुलडॉग को परचेज कर सकते हो। वैसे दोस्तों, ओनर के पास ये 2 पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि कैसे रजिस्टर्ड हैं। तो गाइस, ये जो फ्रेंच बुलडॉग पपीज हैं, ये 3 मंथ्स के हो चुके हैं एंड उन्होंने इनकी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है। तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो क्या है, 45,000 रुपीज, यानी 45,000 रुपए। एंड साथ में आप लोग इनके पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड काफी फेमस डॉग ब्रीड के बारे में, जो है साइबेरियन हस्की। सो फ्रेंड्स, ये जो साइबेरियन हस्की पपीज हैं, ये वो हैं जो कि आजकल ट्रेंड में चले हुए हैं, जो है वुल्ली कोट। गाइस, ये पपीज भी वुल्ली कोट में है एंड फाड़ू क्वालिटी में है। वैसे गाइस, पपीज को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है कि पपीज की एज क्या होगी, 40 डेज, 45 या फिर 50 डेज? बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पपीज आप लोग देख रहे हैं ये जस्ट 26 डेज के हैं और इसी एज में आप लोग इनकी ग्रोथ देखिए, जो कि लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, ये जो पपीज आप लोग देख रहे हैं ये वो हैं जिसे हम लोग हाई क्वालिटी कहते हैं, जिसे लोग एक बार देखें और देखते ही रह जाएं। और ये चीज मैं आप लोगों को एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके लिए सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है, पैसे नहीं। और अब मैं आप लोगों को इन पपीज का फादर दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप लोग सच में हैरान होने वाले हो। तो ये देखिए गाइस, ये हैं इन पपीज के फादर, जो कि भाई अल्टीमेट क्वालिटी के हैं। ऐसी क्वालिटी आप लोगों को शायद ही किसी दूसरे चैनल पर देखने को मिले। तो भाई, इस साइबेरियन हस्की की क्वालिटी देखने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये पपीज बड़े होके कैसे होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि पपीज जो हैं वो 26 डेज के हुए हैं और ये पपीज आप लोगों को 45 डेज के बाद ही मिल पाएंगे। तो आप लोग इन्हें बुक करके रख सकते हैं।
तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 55,000 पीस यानी 55,000 रुपए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे, जो है नेपोलियन मस्टिफ। तो फ्रेंड्स, नेपोलियन मस्टिफ इंडिया में आप लोगों को सिर्फ कुछ चुनिंदा ब्रीडर्स के पास ही देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी रेयर डॉग ब्रीड है। और सिर्फ ब्रीड ही नहीं बल्कि नेपोलियन मस्टिफ में ये कलर भी आप लोगों को काफी कम देखने को मिलेगा, जो है मोहगनी कलर। वैसे दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो चरासी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, नेपोलियन मस्टिफ दिखने में काफी डेंजरस और खतरनाक लगते हैं, लेकिन माना जाता है कि काफी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, जिन्हें आप लोग छोटे बच्चों के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ये काफी जेंटल होते हैं। इसी वजह से इन डॉग्स को भी जेंटल जायंट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नेपोलियन मस्टिफ है ये एक मेल डॉग है एंड ब्रिलियंट क्वालिटी में है। तो अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये 22 मंथ्स का हो चुका है एंड उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या 80,000 पीस यानी 80,000 रुपए। वैसे भाई सिर्फ इतना ही नहीं, नेपोलियन मस्टिफ में आप लोगों को अलग अलग कलर्स ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ब्लू कलर में है, लेकिन ये नेपोलियन मस्टिफ एक फीमेल है। तो अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि अगर आप लोगों को मोहगनी कलर पसंद है तो आप लोग मेल नेपोलियन मस्टिफ के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज ब्लू कलर में आप लोगों को फीमेल्स मिल पाएंगी। वैसे फीमेल्स में भी आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं, एक तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये फीमेल थोड़े डार्क कलर में है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो नेपोलियन मस्टिफ है ये केसी रजिस्टर्ड है, तो प्योरिटी के साथ साथ आप लोगों को श्योरिटी भी साथ में मिल रही है। तो इन नेपोलियन मस्टिफ को परचेज करते टाइम साथ में आप लोगों के पेपर्स भी मिल जाएंगे। वैसे आप लोग चाहे मेल को परचेज करो या फिर फीमेल को, इनका प्राइस भी सेम है। तो उन्होंने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 80,000 पीस यानी 80,000 रुपए। बाय द वे गाइस, सिलसिला सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, बल्कि नेपोलियन मस्टिफ में आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, अब जो नेपोलियन मस्टिफ मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो अल्टीमेट कलर में है, और उसको परचेज करने के लिए आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो ये देखे गाइस, ये है वो नेपोलियन मस्टिफ और ये भी एक फीमेल है। वैसे नेपोलियन मस्टिफ में ऐसी क्वालिटी शायद आप में से काफी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो भाई, अगर आप लोग सबसे अलग कलर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग इस ट्विनी कलर को परचेज कर सकते हो। वैसे ये फीमेल भी 22 मंथ्स की हो चुकी है और उन्होंने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 1,20,000 पीस यानी 1,20,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी वीडियो की सबसे एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड के बारे में, जो है तिब्बतियन मस्टिफ। सो गाइस, इस तिब्बतियन मस्टिफ के प्राइस के बारे में सोचने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि तिब्बतियन मस्टिफ पूरे वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड है। चलो मान लेता हूँ ये भी आप में से काफी लोगों को पता होगा, सिर्फ कुछ ही लोगों को ये पता है कि तिब्बतियन मस्टिफ का जो प्राइस था वो कितना था। तो चलो आप लोगों को बता देता हूँ कि चाइना के एक इंसान ने जिस तिब्बतियन मस्टिफ को परचेज किया था उसका जो प्राइस था वो था 14,70,00,000 रुपए। जी गाइस, आप लोगों ने सही सुना, और ये सुनकर काफी लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि इतने प्राइस में सोच सकते हो आप लोग क्या क्या परचेज कर सकते हो, लेकिन उस इंसान ने सिर्फ एक डॉग को परचेज किया जो था तिब्बतियन मस्टिफ। सो गाइस, ये तिब्बतियन मस्टिफ भी चाइनीज लाइनेज से है एंड साथ में तिब्बतियन मस्टिफ लोयन हेड में है। तो अगर आप लोगों को एक रियल क्वालिटी का तिब्बतियन मस्टिफ लेना है तो भाई डॉग आप लोगों के सामने है। तो फ्रेंड्स, ये तिब्बतियन मस्टिफ एक एडल्ट मेल डॉग है और ये भी केसी रजिस्टर्ड है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोगों ने जितने भी डॉग्स देखे ये सभी डॉग्स एक ही कैनल के हैं, जिसका नाम है किंग्स लाइन कैनल। तो ये एक ट्रस्टेड कैनल है जहाँ से आप लोग आग बंद करके डॉग्स को परचेज कर सकते हो। तो इनकी जो लोकेशन है वो है बेंगलुरु कर्नाटका से। एंड दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर। बाकी आप में से जिन लोगों के लिए पॉसिबल है तो वो डायरेक्ट ओनर के कैनल पर जाकर भी इन्हें परचेज कर सकते हो। तो गाइस, फाइनली अगर इस तिब्बतियन मस्टिफ के प्राइस के बारे में बात करें तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के 3,50,000 पीस यानी 3,50,000 रुपए। बाकी गाइस, स्टॉक्स को परचेज करते टाइम डेफिनेटली आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। वैसे आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे आप लोगों के कितने लाइक्स आते हैं। तो यही थी आज की हमारी संडे स्पेशल वीडियो। तो मिलता हूं आप लोगों से एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।